डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े माइक्रोस्कोप के बारे में एंड एक्सरे मशीन्स एंड स्कैनर्स के बारे में, और उसके पहले हम लोग स्टेथोस्कोप, द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये सब पढ़ लिए हैं। आज हम लोग को पढ़ने हैं न्यू डेवलपमेंट्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन मीन्स तो आप जानते ही हैं, दवाई जिसको खाने से आदमी ठीक हो जाता है। सर्जरी मीन्स होता है ऑपरेशन करना, चीर फाड़ करना शरीर को। तो इसका डेवलपमेंट हुआ। मेडिसिन्स हैव बीन डेवलप टू कंट्रोल डिजीज विच वर फैटल अर्लियर। मेडिसिन्स जो डेवलप हो चुके थे डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, वे पहले ही फैटल थे, मीन्स जानलेवा थे, घातक थे। मीन्स जो मेडिसिन डेवलप हुए थे वे पूरी तरह से सूटेबल नहीं थे बीमारी को कंट्रोल करने में। वे घातक थे, मीन्स नुकसानदायक थे, कभी कभी जान भी ले लेते थे। द डिस्कवरी ऑफ क्यूनिन हैज़ हेल्प्ड कंट्रोल मलेरिया, व्हाइल यूकेलिप्टस इज इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। मलेरिया, इन्फ्लुएंजा ये डिजीज़ का नाम है, ये दोनों बीमारियां हैं। और इस बीमारी मलेरिया को ठीक करने के लिए क्यूनिन, क्यूनिन एक प्लांट का नाम है जिस प्लांट से मलेरिया ठीक होता है। जैसे हम लोग के यहाँ तुलसी होता है, तुलसी से कफ एंड कोल्ड एंड कफ ठीक होता है, तो वैसे ही क्यूनिन से मलेरिया ठीक होता है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस भी एक प्लांट का नाम है, इसके लीव्स से इन्फ्लुएंजा ठीक होता है। ये यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मिलता है। द वंडर ड्रग्स एंटीबायोटिक्स हैव प्रूव्ड इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी डिजीज। मीन्स एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हम लोग अभी लेते हैं, एंटीबायोटिक्स जब आया तो ये इसने साबित कर दिया बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव काम किया, मीन्स प्रभावशाली काम किया, अच्छा से काम किया। वन सच ड्रग कॉल्ड पेनिसिलिन, एक और ड्रग है जिसको पेनिसिलिन कहा गया, वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ही पिक्चर है। इन्होंने 1928 में डिस्कवर किया पेनिसिलिन, जिसको ड्रग, एक और ड्रग कहा गया, और वंडर ड्रग ये आश्चर्यजनक ड्रग एंटीबायोटिक कहा गया। एंटीबायोटिक होता है जो बहुत सारे बीमारियों में इफेक्टिव रूप से काम किया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी 1928 में डिस्कवर कर दिया पेनिसिलिन, जो एक और दूसरा डोज था। इन सर्जरी द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेसिया हेल्प्ड पेशेंट्स अंडरगो पेनलेस सर्जरी। सर्जरी का जब डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरी हुआ, सॉरी, इन सर्जरी द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया का डिस्कवरी हुआ सर्जरी में। तो एनेस्थेसिया के हेल्प से पेशेंट को क्या मिलता था, पेशेंट के शरीर के अंदर जाकर पेनलेस, मीन्स थोड़ा भी पेन नहीं होता, और सर्जरी करके उस बीमारी को ठीक भी कर दिया जाता था ऑपरेशन करके। सर्जरी मीन्स ऑपरेशन। टूडे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हैव इंक्रीज्ड द क्वालिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ मैंस लाइफ। आज कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मीन्स समझते हैं, मीन्स किसी का हार्ट खराब हो गया है तो हार्ट को वहाँ से निकाल कर दूसरा हार्ट वहाँ पर डाल देना, तो उसको कहा जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। किसी का किडनी ख़राब हो गया है तो उस किडनी को वहाँ से हटाकर
दूसरा किडनी डाल देना, मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, सर्जरी मीन्स तो आप जानते ही हैं ऑपरेशन, बहुत सारा सर्जरी में कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये सभी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जिससे लोगों का लाइफ भी बढ़ता गया, लोगों के लाइफ का क्वालिटी भी बढ़ता गया। मेजर ऑपरेशंस ऑफ द ब्रेन, द हार्ट एंड वाइटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स आर पॉसिबल टुडे ओनली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ बेटर टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स। मेजर ऑपरेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का भी ऑपरेशन आजकल संभव है, हार्ट का भी ऑपरेशन संभव है, वाइटल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो भी संभव है। ये सभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स ये सब डेवलप कर गए हैं। इसके कारण बड़े बड़े ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, ये सभी सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेजर रेज आर वाइडली यूज्ड टू रेक्टिफाई डैमेज इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विदाउट मेजर सर्जरी। बिना मेजर सर्जरी, बिना मतलब बड़ा सर्जरी किए हुए, ऑपरेशन किए हुए, लेजर रेज के थ्रू उस बीमारी को सुधार लिया जा रहा है, रेक्टिफाई कर लिया जा रहा है, ठीक कर लिया जा रहा है। जो डैमेज इंटरनल पार्ट्स हैं, जो हमारे शरीर में इंटरनल पार्ट्स हैं, बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं, आप पढ़े होंगे 4 क्लास 3 क्लास में साइंस में, इंटरनल पार्ट्स जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी चीज़ें इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो ये सभी इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो, डैमेज हो, तो उसको लेजर रे के थ्रू कंट्रोल कर लिया जाता है बिना सर्जरी किए हुए, बिना मेजर सर्जरी किए हुए। ग्रेट डेवलपमेंट्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी टुक प्लेस टू क्योर डिजीज। बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए मेडिसिन और सर्जरी में, सर्जरी और मेडिसिन में बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगी। देयर वर सम डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हु वांटेड टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम अकरिंग। जो भी बीमारियां होती थी उसको जड़ से ही ख़त्म कर देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ने सोचा, चाहा कि उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। दे डेवलप्ड सर्टन मेथड्स विच नॉट ओनली प्रिवेंट डिजीज। तो उन्होंने एक सर्टन मेथड डेवलप किया जो सिर्फ बीमारियों को प्रिवेंट ही नहीं करते थे, रोकते ही नहीं थे, बट अल्सो इरेडिकेटेड, मीन्स उसको जड़ से ख़त्म कर देते थे। इरेडिकेट मीन्स होता है उन्मूलन, जैसे हमारे इंडिया में पोलियो आया था तो पोलियो के लिए बहुत सारे वैक्सीन ड्रॉप दिए जाते थे माउथ में, दो बूंद जिंदगी की, ऐसे करके स्लोगन दिया गया था। तो ये ऐसे मेडिसिन्स, ऐसे टेक्निक्स डेवलप किए जिससे उसको रोकना ही नहीं बल्कि इरेडिकेट कर देना, मीन्स हमेशा के लिए ख़त्म कर देना सम ड्रेडफुल ड्रेडफुल डिजीज फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे जितना कुछ कोई भी डिजीज़ हो, तो उसको खतरनाक डिजीज़ हो, तो उसको भी इरेडिकेट करने का काम इन लोगों ने एक सर्टेन मेथड के थ्रू किया। तो अभी हम लोग देखें कि मेडिसिन एंड सर्जरी में कि कैसे मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ और सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ, और उससे कितने सारे बीमारियों को क्योर किया गया, और यहाँ तक कि इरेडिकेट भी किया गया, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया गया। थैंक यू। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।